मैं सुरेंद्र पासिंग बोल रहा हूँ। जी भैया मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। जी मैं आपके जो नेताजी से भी मैंने कॉन्टेक्ट किया है सर। जी सर आप आपकी स्थिति सुन के ना मैं हैरान हुआ। अच्छा मैं क्या ऐसा भी कोई पास्टर है कि पास्टरों को भी सजा दे रहा है, पास्टरों को भी डांट रहा है, पर नाम नहीं ले रहा पर डांट रहा है। सर मैं आपकी आपके है ना रिकॉर्डिंग, मैं भी टीवी में आपको देख रहा हूँ। जी मैं जी हर जी दिन आपको, जी मैं टीवी में आपको है ना इंटरनेट में, यूट्यूब में, जब आप लॉकडाउन टाइम में पहली बार आपको देखा ना, तो जी जी मैं हैरान हो गया है। क्योंकि मैं भी ऐसे कुछ वचन शॉर्टकट में लिख के ना फेसबुक में जी ऊपर वाले लिखता था आपके तरह कि ये अच्छा गलत कर रहे हैं, ये जो तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये मतलब के ऊपर उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा तो कैसे कोई अच्छी वचन लिखता है, मीठा वचन लिखता हूँ कि जी परमेश्वर तुमको आशीष देगा, तो उसको लिखते हैं आमीन आमीन लिखते हैं। अच्छा तो कोई खड़ी सी जगह लिखता हूँ तो उसको कोई आमीन लिखना ही भूल जाता है, कोई आमीन नहीं लिखता। तो जी जी मैं जी कह क्या हो रहा है सर, ये जी लोग है ना मिठाई खाना पसंद करते हैं, आशीष राइट पसंद करते हैं, पर परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर न्यायाधीश है। जबकि राइट आपकी रिकॉर्डिंग मैं रोज डेली 4-5 रिकॉर्डिंग देखता रहता हूँ, वाओ तो मैं वाओ हैरान हो गया। तब वाओ एक वाओ मैं आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजी थी कि एक पास्टर विदेश में, मोटा सा पास्टर जी है, वो एक बंदे को पानी छिटकता है, कहता है जी कि होली स्पिरिट छिड़की। ये होली स्पिरिट बंदर की तरह लोगों को पीछे काउंटर के पीछे छुपाती है। आ लोगों लोगों को बताइए, ऐसे ऐसे पास्टर विदेश में कि जी 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 कोड तार के झाड़ा मारते हैं, जैसे झाड़ू मार रहे हैं, जी लोग जी को गिर जी जी रहे जी हैं। जी जी आपको कई गवाही आपको लोगों ने दिया। तो जी मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग बाइबल सही तरह पढ़े, जी उसको सही तरह बाइबल पढ़े, उसकी और नहीं है कुछ समझ आता है, खड़ी शिक्षा वाली डेनियल राज की शिक्षा सुनिए और अपनी बाइबल से मिलाइए। मैंने वाह आपके जितने भी रिकॉर्डिंग देखी बाइबल, क्योंकि मैंने क्योंकि जब मैं 26 साल का था तब जी मैं बाइबल पढ़ता था। मैं पटने से बाइबल पढ़ता आ रहा हूँ, मैं जी पटने का रहने वाला हूँ, अभी जी लुधियाना अरे में हूँ। तो वाह वाह मैं वाह कई मेरे को आप इतनी शिक्षा दे रहे हैं तो मेरे को शॉर्टकट पता है, तो मैं उसको अच्छा लिख के फेसबुक में उसके ऊपर लिखता रहता है, लड़ जाओ। अभी मेरे फेसबुक में मैंने करीब 500 बंदे को डिलीट किया। अरे बाप रे क्यों? पास्टर होके, मसीह जी होके, जी मतलब मैं उसको क्या बताऊं, इतनी गंदी गंदी फोटो भेजते थे। मैं कहा जी भाई मसीह हो आप? कहते हाँ मसीह है। अरे मैं बाप कहा रे फिर बाइबल पढ़ते हो? कहा हाँ बाइबल पढ़ते। मैं कितना पढ़ते हो? कहते दो। मैं कहा हो गया, थैंक यू थैंक यू। अब डैनियल राज की कथा सुनो, बाइबल की सही स्टडी ले लो, बाप रे अगर ले बाप स्टडी ले लो। और यहाँ एक रे पास्टर था वो मैं अच्छा समझ रहा था, जी मैं एक दो स्टेजिंग बहुत अच्छी समझी। हाँ जी सही बोल रहा, वो बोलता है ना जैसे मैं कोई गलत कर रहा हूँ ना तो मेरे पास जी चार्ज डाल दो। मैं कह अच्छा ये कैसी बात बोल रहा है, पुराने नियम में एक जो नहीं है नून ने शराब पी के, जी हाँ जी 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 आपको मालूम ही होगा, उस पर ऐसा चार्ज डाल दी। कहता है ना अगर मेरा पास्टर गलत काम करता है मैं उसके ऊपर चार्ज डाल दूंगा, जी अनदेखा कर दूंगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे को आशीष मिलेगी। जी जी है जी अब ये जी बात जी सही है कि गलत है? आपने 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 जो पहले के जितने वीडियो आप बताया होगा, आप बताइए गलत है कि सही है? वो पास्टर ने ऐसी बोली है, वो पास्टर के पास करीब 20,000 लोग आते हैं, अरे और बाप एक रे पास्टर, एक यहाँ तो एक पास्टर है उसको तो, और ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ तो मैं कही तो पूरा गलती है जी यहाँ। बिल्कुल अच्छा मैं टीवी एक रिकॉर्डिंग में हर दिन आपको मैंने फेसबुक में आपका नाम जोड़ दिया है कि जी आप जिसको जो बच्चे हैं वो डेनी रात से जुड़ गया है, या उसकी जी रिकॉर्डिंग सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में आती है, अच्छी तरह उसको सुने और उसकी अच्छी तरह उसको पढ़े बाइबल के साथ जोड़े कि सही की गलत है। गलत है तो राइट उससे पूछे कि सर जी आप जी थोड़ा जी गलत बोल रहे हैं, तो आपको जी समझा दें गलत नहीं बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जी तो बिल्कुल जी मैंने एक बिल्कुल पास्टर साहब जो लुधियाना में पास्टर साहब से, मैं जी उन्हें अनभाषा के बारे में पूछा तो मतलब समझा नहीं पाए मेरे को। तो मैं जी समझ गया कि बोलते नहीं है अनभाषा के बारे में, तो अनभाषा कहते अनभाषा होती है और पवित्र तो आत्मा के द्वारा ही अनभाषा चलती है, मतलब अच्छा चल रही है। और जी फिर मैं एक दो और मैंने जो आपकी एक वीडियो में जो वचन मैंने आपके डेविडसन से बात की जी तो बोलता है कि वही वचन आपने बोल दिया, उसी समय मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ उसी वही वचन आपने बोल दिया। जी मैं कि देखो परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है हमसे, तो जी मैं अभी प्रार्थना कर रहा था आपका फोन लग गया मेरा। मैं कहा थैंक अगर सही पास्टर है मेरा फोन लग जाए, क्योंकि मैं 30 बार आपको फोन यू करता हूँ, 30 बार और बाप फोन रे नहीं बाप लगता। रे बाप तो मैं रे आपसे जुड़ना चाहता हूँ सर। जी बिल तो बहुत मैं बहुत तो नेताजी को स्वागत बोल दिया मैंने, मैं अभी 8 घंटे कई
5 घंटे पढ़ता हूँ, लोगों को समझाए भाई बाइबल पढ़ो, भाई पढ़ना ही नहीं है, बाइबल पढ़ के उस पर चलना भी है। जी 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 जी, आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। आप मेरा नंबर नीता जी से ले चुके होंगे, अगर नहीं लिया तो ले लीजिएगा, और कल दोपहर को 3 बजे आप मुझे बेशक कॉल करिए, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ सर, आप मुझे कल 3 बजे कॉल करिए, मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको 3 बजे फोन किया, आपका फोन लगता नहीं है। आपने आज किया था सर? है सर, आज किया था आपने? आज भी किया था। चलिए कल वापस कर लीजिएगा, मैं उठा लूंगा, ठीक है? मैं कल 3 बजे करूंगा आपको। या थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस। आप कुछ समझा दीजिए, जो पंजाब में फैल रहा है तेल पानी का जो सिस्टम फैल रहा है, जी है? जी वो भी समझा दीजिए। जो कोई पास्टर गलत काम करता उस पर उसको अनदेखा कर दिया जाए, कि उसके परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको उसको समझाया जाए। जी इसके बारे में 2 लफ्ज बोल दीजिए। जी बिल्कुल बोल दूंगा, बिल्कुल। थैंक यू। ना जो अभी भाई ने कहा है, मैं समझता हूँ कि वचन से समझाना है, समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मती 15:14 याद होगा आपको, उनको जाने दो अंधे मार्ग दिखाने वाले, ठीक है ना? अंधा यदि अंधे को रास्ता देखा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में लीडर, अगुआ, अगुए को फॉलो करोगे, जो अगुआ अंधा है तो जो फॉलो कर रहा है वो भी अंधा है, तो अगुआ भी गिरेगा खड्डे में, ये भी गिरेगा खड्डे में। तो जीसस ने कहा कि ऐसे लोगों को जाने दो, अगर समझते हैं तो प्रेज गॉड, नहीं समझते हैं लेट इट बी, छोड़ दो। इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, दूसरे शब्दों में उनके हाल पे छोड़ देना, अगर आपने समझा दिया तो। लेकिन आपका एक बार तो फर्ज बनता है कि आप उनको समझाओ, अगर नहीं समझते तो नमस्ते। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर।